हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आप लोग के स्क्रिप्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन वाइटिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आपका चेहरे पर किसी भी प्रकार का दाग धब्बे या मुहासे का दाग हो या छाई हो या पिंपल के दाग हो या आपके झुर्रियाँ पड़ गए हैं चेहरे पर, तो इस सब समस्या को दूर करने के लिए आप मेरे वीडियो अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में मैं कुछ घरेलू टिप्स बताऊँगा जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आपको 100% ये रिजल्ट देगा। दोस्तों, आइए जानते हैं टिप्स नंबर फर्स्ट के बारे में। 2 चम्मच दूध में 1/2 चम्मच चिरौंजी को भिगोकर लेप बनाकर चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। यह क्रिया लगातार 45 दिन तक करने से चेहरे का रंग निखर जाता है और चेहरे की चमक बढ़ जाती है। इसको लगाने से रूखी और सूखी त्वचा भी कोमल हो जाती है। टिप्स नंबर 2, 2 चम्मच खीरे के रस में 1/2 चम्मच नींबू का रस और चुटकी भर हल्दी मिला लें। इसे 1/2 घंटे तक चेहरे पर लगाने के बाद चेहरे को पानी से धोने से चेहरा का रंग गोरा हो जाता है। और टिप्स नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। 1 कच्चे टमाटर का रस निकालकर उसमें 1 बड़ा चम्मच छाछ मिला लें। इसे रोजाना चेहरे और हाथ पैरों को त्वचा पर लगाएं और 1/2 घंटे के बाद धो लें। ऐसा लगातार करने से त्वचा का संवालापन दूर हो जाएगा। टिप्स नंबर 4, 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच नींबू का रस को एक साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 1/2 घंटे के बाद हल्के गर्म पानी से धो लें। फिर एक बर्फ का टुकड़ा लेकर पूरे चेहरे पर रगड़ लें। ऐसा करने से चेहरा का रंग कुछ ही समय में साफ होता है। दोस्तों, टिप नंबर 5, कच्चे आलू को पीसकर उसका रस निकाल लें और उसे रोजाना अपने चेहरे पर लगाएं। फिर 15 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें, रंग जल्दी साफ होने लगेगा। दोस्तों, ये इस वीडियो में 5 टिप्स बताया गया। आप किसी भी टिप्स को अपनाकर अपने चेहरे के रंग को निखार सकते हैं, गोरा कर सकते हैं। आपके चेहरे पे किसी भी प्रकार के दाग धब्बे या छाई का हो या आपके मुहासे का दाग हो या झुर्रियाँ, वो सब भर जाएंगे। आपको इस किसी भी टिप्स को अपना कर अपने चेहरे को रंग को गोरा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, ये 100% आयुर्वेदिक होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इस पर 100% विश्वास